गुड आफ्टरनून। आज हमारी उर्दू की क्लास सेकंड बुक की क्लास है। सेकंड बुक का नाम है इब्तिदाई उर्दू। बुक टू है इब्तिदाई उर्दू। इसका पहला लेसन सबक नंबर 1 और लेसन नंबर 1। तो आज हम सबक नंबर 1 पढ़ेंगे। इसमें क्या है, चार पार्ट हैं इस लेसन में। इस सबक में चार पार्ट हैं जिसकी अलग अलग कन्वर्सेशन है। इसमें कन्वर्सेशन है इस लेसन में, छोटी छोटी सी कन्वर्सेशन है 5-6 लाइन की, और उसमें अलग अलग बात की गई है। दो लोगों के बीच की कन्वर्सेशन है, आपस की बातचीत है। तो आज हम सबक नंबर 1 पढ़ेंगे बुक 2 का। बुक का नाम है इब्तिदाई उर्दू। यहाँ पर मैंने लिख दिया है सबक नंबर 1, लेसन नंबर 1, बातचीत, कन्वर्सेशन। तो लेसन मैं बताती हूँ, लेसन में क्या है। पहला हम पढ़ेंगे पहला पार्ट, इसका पहला हिस्सा। ये लिखा है समीर। तो समीर क्या पूछता है, ये क्या है। समीर के बाद आशा, ये किताब है। समीर ने सवाल किया ये क्या है, आशा ये किताब है। आगे नेक्स्ट समीर, और वो आशा और वो कुर्सी है। समीर क्या ये पलंग है, क्या ये पलंग है। आशा जी नहीं, ये पलंग नहीं, पेंसिल है। तो ये सबक नंबर 1 का पहला हिस्सा था। समीर ये क्या है, आशा ये किताब है। समीर और वो, आशा वो कुर्सी है। समीर क्या ये पलंग है, आशा जी नहीं ये पलंग नहीं पेंसिल है। इसी का दूसरा पार्ट में यहाँ पर लिख देती हूँ। समीर ये कौन है, ये इकबाल साहिब हैं। समीर क्या ये डॉक्टर हैं, क्या ये डॉक्टर हैं। सारे
जाहिल जी नहीं ये वकील हैं, तो इसमें ये है छोटी छोटी कन्वर्सेशन है। इसमें मैंने बताया था चार हिस्से चार पार्ट हैं। इसमें पहला तो ये था, दूसरा ये समीर ये कौन है, साहिल ये इकबाल साहिब हैं, समीर क्या ये डॉक्टर हैं, साहिल जी नहीं ये वकील हैं। अब इसका तीसरा हिस्सा, समीर ये लड़का कौन है, ये लड़का कौन है, आशा ये मेरा छोटा भाई है, समीर आपके कितने भाई बहन हैं, आशा मेरा एक भाई मेरी सिर्फ एक बहन है, आशा छोटी या बड़ी, आशा ने पूछा छोटी या बड़ी, समीर बड़ी, तो ये था फर्स्ट बुक का थर्ड हिस्सा, समीर ये लड़का कौन है, आशा ये मेरा छोटा भाई है, समीर ने आशा से पूछे लड़का कौन है, फिर आशा ने जवाब दिया मेरा छोटा भाई है, समीर आपके कितने भाई बहन हैं, आशा मेरा एक भाई और एक बहन, ये भी इसकी बात खत्म हो गई। फिर आशा ने पूछा और आपके, इसके बाद समीर मेरी
वाल्डेन, वाल्डेन से बोलते हैं पेरेंट्स को। वो गांव में है, मेरे वालिद साहब मेरे वालिद फादर को बोलते हैं। मेरे वालिद साहब स्कूल में उस्ताद हैं। यहाँ वालिद किसको बोला है? फादर को वालिद बोलते हैं, वालिदैन पेरेंट्स दोनों को बोलते हैं, माता पिता दोनों को। और वालिद यहाँ फादर को बोला है। समीर गांव में दो स्कूल हैं। गांव में दो स्कूल हैं, एक लड़कों का लड़कियों का। ये था आपका फर्स्ट लेसन का, थर्ड और फोर्थ हिस्सा। ये फोर्थ है, समीर आपके कितने बच्चे हैं? यहाँ पर कई बच्चे लिखा है, उसके ऊपर तरबूज आएगी, जिससे हम छे को दो बार पढ़ रहे हैं। इकबाल दो, इकबाल ने कहा दो, एक लड़की और एक लड़का। समीर वाले कहाँ हैं? इकबाल वो गांव में हैं, मेरे वालिद साहब स्कूल में उस्ताद हैं। वालिद यहाँ फादर को बोला है और वालदा मदर को बोलता है। समीर आपके गांव में कितने स्कूल हैं? इकबाल गांव में दो स्कूल हैं, एक लड़कों का और दूसरा लड़कियों का। तो इस लेसन में जो सबक नंबर वन था, कन्वर्सेशन थी, बातचीत थी, हमने देखा इसमें चार अलग अलग कन्वर्सेशन थी, अलग अलग बातचीत थी जो कि हमने इसमें पढ़ी है। अब इसमें हम देखेंगे दूसरा सबक। Sabah
हैरान, अदा फाला जा, सीमा खुश रहो, खुश रहो, आओ बेटी आओ, आओ बेटी आओ। वहाँ नहीं बैठो, क्या पियोगी, क्या पियोगी, आशा कुछ नहीं, सीमा ऐसा कैसे हो सकता है, सीमा ऐसा कैसे हो सकता है, दो सेब खाओ, आशा सबक नंबर दो, लेसन नंबर टू है हमारे ये कन्वर्सेशन और बातचीत का। यहाँ आशा, अदा, खाला जान, अदा की ग्रीटिंग है, जब हम किसी से मिलते हैं तो अदा बोलते हैं उर्दू में, तो ये अपने खाले जान से मिलाए। फिर यहाँ पे सीमा, खुश रहो, आओ बेटी आओ, तो सीमा ने ब्लेसिंग दी, खुश रहो दुआ दी और कहा आओ बेटी आओ। फिर सीमा ने बोला वहाँ नहीं यहाँ मेरे करीब बैठो, यानी कि मेरे पास बैठो। फिर पूछा क्या पियोगी, फिर पूछा क्या पियोगी, आशा कुछ नहीं, आशा ने जवाब दिया कुछ नहीं। सीमा ऐसा कैसे हो सकता है, सीमा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तो फिर सीमा ने कहा लो सेब खाओ, सीमा ने उसे एप्पल दिया, सेब दिया, लो सेब खाओ, आशा पहले आप खाइए, सीमा हम भी खा लेंगे। सीमा ने बोला इकबाल साहिब क्या आप सेब खाइएगा, इकबाल ने कहा क्यों नहीं, कल मेरे गरीब खाने पर आप सभी हजरात तशरीफ लाइए। सीमा क्यों भाई, इकबाल ने कहा क्यों नहीं सेब खाऊंगा मैं, फिर उसके बाद कहा कि कल मेरे गरीब खाने यानी कि मेरे घर पर आप सभी हजरात तशरीफ लाए, यानी कि आए मेरे घर पर कल। सीमा ने पूछा क्यों भाई,
इकबाल ने जवाब दिया मेरे बेटे की। छोटी सी दावत रही है। बेटी आशा तुम भी जरूर आना, बल्कि अपने वालिदैन से कहना कि वो भी आए। इसमें ये लास्ट लाइन थी वाली सीमा, जब इकबाल ने कहा कि कल मेरे गरीब खाने पर आप सभी तशरीफ लाइएगा, तो सीमा ने पूछा था क्यों भाई, तो इकबाल ने कहा मेरे बेटे की सालगिरह है, यानी कि उसका जन्मदिन है, इसी सिलसिले में एक छोटी सी दावत रखी है। तो ये बताया कि इसी सिलसिले में, मतलब सालगिरह की वजह से इसी कारण दावत रखी है। फिर आशा से कहा बेटी आशा तुम भी जरूर आना, बल्कि अपने वालिदैन को भी कहना, अपने वालिदैन से कहना कि वो भी आए। यह आपका लाइफ